गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल रीड अबाउट हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टिल नाउ वी हैव रेड एंड आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, and how, what is the use of let, how to use let in indirect speech. Now today we shall learn, I will taught you today about exclamatory sentence, how to change exclamatory sentence into indirect speech. So in exclamatory sentence show the sudden feeling of mind. Oh, alas, hooray, सॉरी, वाट ए गुड शॉट, इस टाइप के जो सेंटेंस दिखाते हैं तो उसमें अगर हो आह अल्लास तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो हम कहते हैं सैड टू या एक्सेट्रा उसको हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद शोरो आह अल्लास के केस में, अंडरस्टूड। सेकेंडली आहा हा हुर्रे, अगर ये हो तो हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर हो सॉरी तो रिग्रेट ओबियसली, ओह व्हाट हाउ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, पुह शाह एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट घृणा के साथ, ब्रेवो हियर ये जनरली यूज होते अपलाउडेड सेइंग, ये कहते हुए प्रशंसा की। तो इस टाइप की अगर सेंटेंस आपको देखे तो एक्सक्लेमेशन का मार्क देखे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, and these are the rules, certain rules I will let you know further writing the sentence. And what, how, agar ho sentence mein to very ya great lagao, inverted comma ko remove karke that ka use karna hame, or jo very hai agar adjective hai to uske sath very lagao usse pehle, aur agar noun hai to great lagana, these are the certain rules in respect of the exclamatory sentence in the indirect speech. So I will let you know some more rules about this, and first of all I will write the sentences. Let's see, first sentence is the team said, the team said, टीम ने क्या कहा, हुर्रे, हुर्रे मीन्स हुर्रे किसके लिए बताया था, हैप्पीनेस के लिए, जोय, जोय के लिए, जॉयफुल्ली, हुर्रे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वी हैव, वुंदा मैच। अब टीम ने कहा तो हुर्रे के केस में क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली भी कह सकते हैं, द टीम एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द टीम एक्सक्लेम्ड विद जोय, टीम ने खुशी के साथ क्या कहा, दैट, द टीम एक्सक्लेम्ड विद जोय दैट वी, अकॉर्डिंग टू द टीम, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, हैव हैड में चला जाएगा, दे हैड वन द मैच। प्रीवियस रूल्स विल रिमेन द सेम, टेंस का सेम सिस्टम है जो बता चुका हूँ मैं, मैनी मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्सक्लेमेशन की जो सेंस है वो क्या, हैप्पीनेस की है, रिग्रेट की है, कंटेम्प्ट की है, शोरो की है, वो जिस भी टाइप की हो, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस जीते हैं, दे हैव वन द मैच, विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में वो चला गया है. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. शी सेड अल्लास, दुख के साथ. अल्लास के सेंस में क्या होता है? दुख, सोरो. आई हैव लॉस्ट ऑल माई ऑर्नामेंट. आई हैव लॉस्ट ऑल माई ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट होते हैं आभूषण. ऑर्नामेंट्स को उसने खो दिया है. शी ने, शी इज द प्रोनाउन यूज फॉर द फीमेल सेक्स. तो लास दुख के साथ अगर कुछ खोता है तो इसका मतलब हैप्पीनेस तो होनी नहीं है. शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो. She exclaimed with sorrow that, ये क्या कहा? I have lost all my ornament. I first person का pronoun according to subject. She have का had. She had lost all her ornament. ऑर्नामेंट्स, उसने सारे अपने जो गहने खो दिए. उसने ये एक्सक्लेम्ड किया, बताया दुख के साथ. और ये दिस इज द मैटर ऑफ सैडनेस. यस दिस इज ट्रू. ही सेड सॉरी, उसने कहा सॉरी. आई कैन नॉट लेंड यू माई, I cannot lend you my scooter. उसने कहा कि I cannot lend you, lend होता है उधार देना, my scooter में अपनी, माफ करना, sorry, दुख के साथ उसने कहा, regret के साथ. Sorry indicate a regret. So answer would be he exclaimed with regret that. I first person ka pronoun according to subject of reporting verb. He कैन नोट का कुड नोट, लैंड अब यहाँ पे है. आई कैन नोट लैंड यू, अब हमें ऑब्जेक्ट को अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यू विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो हम मान लेंगे फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन था मी मान लेंगे. He exclaimed with regret that he could not lend you. यहाँ पे me अगर assume करें हम तो lend me or my scooter. My first person का pronoun according to he, his. He exclaimed with regret that he could not lend me his scooter. वो मुझे अपना स्कूटर नहीं दे सकता. उसने रिग्रेट के साथ, दुख के साथ ऐसा बोला. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. इनवर्टेड कॉमा पहले इसमें. पू सैड ही टू मी, सैड ही टू मी.
you have failed again. You have failed again. ये जो पू होता है कंटेम्प्ट को शो करता है, पू बड़ी घृणा के साथ, इच्छी 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 सेड ही टू मी, उसने मेरे से कहा क्या, यू हैव फेल्ड अगेन, फेल लुढ़क गई, फिर फेल हो गए तो चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट या कंटेम्प्ट, contempt that you, second person का pronoun according to subject, object, object is me, तो I, have का had, और I had failed again, यहाँ पे हम लगाएंगे full stop. तो student, I hope you have understood how to change the exclamatory sentence in the narration in the indirect speech. So let's see one or two example more and then we will wind up the videos here. He said, what a pity. Pity होता है दया. What a pity. You did not What a pity you did not attend my marriage. ये कितने दुख की बात, कितनी बुरी बात है. What a pity, बिल्कुल गलत बात है, मुझे मतलब तरस आता है, पिटी तूने मेरी शादी को अटेंड नहीं किया. What a pity, यहाँ पे that hidden है, noun close बन गया यहाँ पे. तो what a pity कि what a pity कि you did not attend my marriage. ये simple past tense है, तो obviously past एक तीन में जाता है, past perfect में जाता है. He exclaimed, that, so what a pity को हम change करेंगे, it was a great pity. जब noun हो तो हम लगाते हैं great, और adjective हो तो very लगाते हैं. तो it was a great pity, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेजेंट है, व्हाट ए पिटी, इट वाज अ ग्रेट पिटी, यहाँ पे हम लगाएंगे दैट यू डिड नॉट अटेंड. अब यू हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है. तो आई हैड नॉट अटेंडेड is, यहाँ पे my कहता है तो my according to the subject or reporting verb, यहाँ पे already subject है he, तो his हो जाएगा. So he exclaimed that it was a great pity that I had not attended his marriage. So student, I hope you have got to know all the topics in respect of the exclamatory sentence, how to change exclamatory into indirect speech. So till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.